आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ कि अपनी वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है या आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे मोबाइल फ़ोन में, आज हम इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाले हैं। सो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं आप सबसे पहले कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑन करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कितनी नॉलेजफुल लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र को आपको ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करते ही जब आपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको वोटर आईडी टाइप करके सर्च करना है। जब आप सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया यूजर फेस शो होगा। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक नया यूजर फेस शो होगा। आपके सामने वोटर आईडी की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया यूजर फेस शो होगा। यहाँ पर आपको 2 या 3 सेकंड का वेट करने के बाद आपके सामने कुछ एक नया यूजर फेस शो होगा। आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड EPIC डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया यूजर फेस या इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, एक पासवर्ड देना होगा। इस कैप्चर को फिल करेंगे, उसका लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कैप्चर को फिल करेंगे, लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आप एक नया यूजर फेस के सामने शो होंगे। फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा, फॉर्म रेफरेंस नंबर पर जब क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको अपना रेफरल नंबर दे रखा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक रेफरल नंबर मिला होगा, उस नंबर को यहाँ पर आप फिल करेंगे। रेफरल नंबर देखिए हमने फिल कर चुके हैं, रेफर नंबर को मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर रेफर नंबर हमने फिल कर दिया, उसके बाद अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए स्टेट पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट में आते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, उसके बाद सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 या 3 सेकेंड का वेट करना होगा। आप देख सकते हैं हमारा लिख के आ चुका है, उसका देख सकते हैं आप हमारा नाम लिख के आ रहा है संतोष कुमार, अब पिताजी का नाम भी लिख के आ रहा है। इतना सब कुछ फिल करने के बाद आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड की मोड की तरफ कर लेंगे, तभी आपका फ़ोन लैपटॉप की स्क्रीन तक शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा नाम लिख के आ चुका है, हमारे पिताजी का नाम लिख के आ चुका है, स्टेट लिख के आ चुका है, आधार मोबाइल नंबर जो हमें रजिस्टर्ड किया था वह भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। देखिए OTP हमारा आ चुका है। OTP को जब हम फिल करेंगे, OTP को फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तो आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कैप्चर फिल करना होगा, जो आपको कैप्चर यहाँ पर शो हो रहा है। कैप्चर को फिल करने के बाद आप डाउनलोड EPNC पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 या 3 सेकंड का वेट करना होगा। 2 या 3 सेकंड वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ चुका सक्सेसफुल डाउनलोड। आप देख सकते हैं डाउनलोड का सक्सेसफुल डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए डाउनलोड लिख के आ चुका है। हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी PDF 2 या 3 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। देखिए हमारी PDF, देखिए आप हमारी PDF डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम PDF पर जब ओपन करेंगे, देखिए हमारा पैन वो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आई होप आपको वोटर आईडी डाउनलोड करना कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो कितनी नॉलेजफुल लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑन करें और इसी तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।